लेजी केमिकल्स एक स्टॉक है जिसे हमने काफी सही पॉइंट पे कैप्चर इसको आइडेंटिफाई किया था। एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बना था। सबसे पहले देखते हैं कि इसको कितने प्राइस पे हमने आइडेंटिफाई किया था। 294 के आसपास इसे आइडेंटिफाई किया था और इसने हाई लगाया 429, यानी कि हमारे लेवल से लगभग लगभग 134-135 पॉइंट्स इसने डिलीवर किया। और कितने टाइम में डिलीवर किया है तो आप जरा देखेंगे तो इसका जो हमने इसको आइडेंटिफाई किया था 31 जुलाई को किया था, और ये जो हाई लगाया था आपका वो हाई लगाया था कब, यहाँ पे जाके हाई लगाया था, ये 21 अगस्त को लगाया था। तो बहुत ही छोटे से स्पैन में 20 से 25 दिन के अंदर में इसने इतना अच्छा सा मूव दिया। इसको सही टाइम पे हमने आइडेंटिफाई किया और सही टाइम पे एंट्री यहाँ पे बन गया। इसका जो भी हमारा डिटेल होता है इसके बारे में जो फंडामेंटल्स होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सो देट हम लोग आने वाले टाइम में ऐसे स्टॉक्स पे ऐसा ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले जेजी केमिकल की बात करेंगे तो ये एक लीडिंग जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है जिसका कैपेबिलिटी है तो प्रोड्यूस करने के 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड होता है। अब जेजी केमिकल की बात करेंगे तो ये है लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, ओके। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो टॉप 10 ग्लोबल प्रोड्यूसर है, इंप्लाइंग वाइडली अडॉप्टेड फ्रेंच प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड एज ऑफ 2022 कंपनी होल्ड्स 30% मार्केट शेयर। मतलब कंपनी का जो इसका बैकग्राउंड था वो बहुत ही तगड़ा था, एकदम जबरदस्त था, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं थी। कंपनी का जो लिस्टिंग का बात करेंगे तो हाल ही के टाइम में लिस्टिंग हुआ था, बहुत पुराना है नहीं, इसी साल मार्च में इसका लिस्टिंग हुआ था तो उस लिहाज से भी ये कंपनी ठीक था। और एक और बात देखें कि लिस्टिंग के बाद से ही थोड़ा सा डिप लगा है यहाँ पे 171, और उसके बाद से मार्केट में अप ट्रेंड में ही ये चलता रहा। अभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिया था जिसमें हम लोगों ने यहाँ एक्सपोर्ट इस रैली को एंजॉय किया, उसके बाद अभी थोड़ा सा इसमें ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ रहा है। साथ ही साथ इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जानकारी अगर हासिल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि कंपनी जो रिड्यूस डेट है इसमें घटाया था और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है यहाँ पे। बस ये क्योंकि डिविडेंड नहीं देता तो ठीक है, डिविडेंड से क्या ही करना है, क्या करना है उतना लेकर। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सेल्स की बात करेंगे तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज होते हैं कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और जो सेल्स होता है वो अगर इंक्रीज हो रहा है कंपनी का तो सही जा रहा है। स्टार्टिंग 2023 में तो ठीक ठाक था, उसका थोड़ा 172 आया, फिर दिसंबर में 2023 में घट गया 161, लेकिन जब बात करेंगे मार्च में 2024 का तो 181 और जून में 203 हुआ। मतलब यहाँ पे सेल्स में क्या हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। उसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पहले था यहाँ पे 12 CR, उसके बाद 4 हुआ, 11, 14, 16, फिर उसके बाद मतलब पहले डार्क डीप मारा, उसके बाद 4 के बाद यहाँ से अगर हम बात करेंगे ये लगभग लगभग जून 2023 है, उसके बाद अप ट्रेंड में इसका प्रॉफिट है ऊपर में बढ़ते ही जा रहा है यहाँ पे भी। बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए, एक सही था पॉइंट था। एंड नेक्स्ट होता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये भी इसका जो था पहले 19 था 41, 57, 77, अभी थोड़ा सा इसमें डिप मारा। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 14 है, उसके बाद 29, फिर 43, 57, 32, तो ये थोड़ा सा डाउन मारा है लेकिन फिर भी ठीक है, स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इतना पैसा बनने से मतलब है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा स्टॉक दिया होता है इसमें जो भी हमारा क्या कहते हैं किन किन लोगों का यहाँ पे जो बाइंग है, जो कितने समझदार लोग इसको खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं, यानी कि मेरा मतलब होता है कि FIA और DI जिनका रिसर्च और सारा कहानी हमसे क्या होता है बेहतर होता है। तो प्रमोटर के पास 70.99% था, अभी भी 70.99% है। उसके बाद अगर बात करेंगे FIA का तो 6.22 है और थोड़ा बढ़ के 6.33 हो गया था। DI की बात करें 3.17 था, तो ये भी बढ़ा है, 3.64 बढ़ा है। तो यानी कि इन लोगों का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्विक्शन हो जा रहा है इस जगह पे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, स्टॉक यहाँ पे काफी परफेक्टली यहाँ पे एंट्री करने के लिए था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न था वो सही तरीके से मिला, एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था और उस ब्रेकआउट पर एंट्री करके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लिए। तो शॉर्ट टर्म में 20 से 25 दिन के अंदर अगर आपको इतने अच्छे से 25 से 30% का रिटर्न मिल जा रहा है, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। सो हमें अगर किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स हमें जानना चाहिए, सबसे जरूरी होता है। और जब तक आप इन चीजों को सीख के खुद से नहीं करते हैं तो राइट टाइम में एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट होता है ये आप नहीं कर पाएंगे, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप करके एक अच्छा खासा आप अपना रिटर्न है जनरेट कर सकते हैं, और एक जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं साथ ही साथ और देखेंगे यहाँ पे जितने स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उसमें लगभग लगभग जो स्टॉक है अपने वो अच्छे यहाँ पे चले हैं। इसे देखेंगे कि स्टॉक 294 पे था तो 429 दिया, फिर इसके बाद हमने गुजरात पेट्रोलियम की बात की यहाँ पे तो गुजरात पेट्रोलियम को शेयर किया था हमने 332 के आसपास यहाँ पे शेयर किया था, और ये गुजरात पेट्रोलियम कहाँ तक हाई लगा 351 के आसपास। ये अपने एक स्टॉक था हमारे पास, ये था ऑर्चिड फार्मा था, इसमें हम लोग 1298 के पास आइडेंटिफाई किया था और ये 1593 तक हाई लगाया। इसके बाद ये स्टॉक है हमारे पास कैपिटल ट्रस्ट की बात करेंगे तो 127 के आसपास एंट्री अपन लोग प्लान किए थे, 185 तक का हाई लगाया। इसके बाद टेक महिंद्रा की बात करेंगे तो इसे हम लोग 1515 पे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि अपो के लिए तैयार है और ये 1634 के आसपास तक हाई लगाया। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो ये
किल्डॉन टेक की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था हम लोगों ने 141 के आसपास में, और ये हमारा हाई लगा है 183 का। नेक्स्ट हो जाता है जो स्टॉक दिया हमारे पास, ये है CLSEL जो दिया हुआ है हमारा, चमन लाल सेठिया है, इसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था लगभग लगभग 222 पे, बहुत तगड़ा सा एक्टिविटी वहां पे हुआ था, और ये हाई लगाया 364 का। आप समझ रहे हो क्या कमाल का रिटर्न मिला, 222 से 364। आप टाइम देखोगे तो ये आज का है प्राइस, और ये जब हमने आइडेंटिफाई किया था 9 जुलाई का बात है, बहुत ज्यादा समय यहाँ पे लगा नहीं है। और अब देखोगे यहाँ पे 324 पे बाई गया था, एक तो 368 गया था। ये स्टॉक क्या है आपका, तो VLS फाइनेंस दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है ये 143 पे आइडेंटिफाई किया था, 164 पे गया था। ये हमारा स्टॉक दिया हुआ है, ये है अलेम्बिक, तो ये हमारा एक अच्छा खासा स्टॉक, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट यहाँ पे बन गया था। तो ये होता है कि अच्छे तरीके से रिसर्च करके अपने स्टॉक में एंट्री करेंगे तो वहां भी एक बढ़िया सा रिटर्न बन जाता है, बस आपका पेशेंस और आपका प्रैक्टिस और आपका रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सही करेंगे तो अच्छे तरीके से शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग करके या फिर मीडियम टर्म का ट्रेड करके आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, और जैसा भी लगा होगा तो नीचे मन हो तो कमेंट में कुछ लिखिएगा, और यहाँ तक आपने देखा तो इसके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।